नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे जो वीडियो फाइल्स हैं लोकल होस्ट या सर्वर पर, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा आके उसको डाउनलोड न कर सके, ये हम कैसे ब्राउज़र पे इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया है, एक माई वीडियो के नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने एक फाइल का नाम से डायरेक्टरी बना के उसमें टेस्ट वीडियो डाल दिया है, और एक index.php मैंने ये वीडियो का कोड लिख दिया है कि ये वीडियो प्लेयर है, इसकी आईडी वीडियो प्लेयर इतना ये है और सोर्स इसका ये है। अब मैं जब इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से चल रहा है। अभी देखिए, मैं इस वीडियो को यहाँ से व्यू वीडियो करके सेव कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ, ये मेरा यहाँ पे देखिए सेव हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब मैं इस ब्राउज़र में चलाने वाला हूँ तो भी ये देखिए डाउनलोड के लिए ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और ये डाउनलोड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, ब्राउज़र पे ऐसा तो बिल्कुल प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, पर हम कुछ हद तक इस पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। वो हम किस तरीके से लिमिटेशंस लगा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये राइट क्लिक है इसको हमें डिजेबल करना रहेगा, ठीक है। तो वो डिजेबल हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखिए हमें क्या लिखना रहेगा, एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, document.addListener कॉन्टेक्स्ट मेनू इवेंट इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये जो कोड है ये कोड हमें यहाँ लिखना रहेगा। इस कोड के लिखने से क्या होने वाला है, इस कोड से लिखने देखिए इसका राइट क्लिक है, अभी जो राइट क्लिक है वो डिजेबल हो गया है, ठीक है। देखिए, पर उससे हमें कोई विशेष प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, या जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ टूल से चला गया, वेब डेवलपर्स पे चला गया, व्यू सोर्स जाके इस वीडियो को मैं मैं यहाँ से डेवलपर टूल्स पे जाके इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ से भी देखो, मैं इसके इस वीडियो को यहाँ से चला सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, ले लीजिए यहाँ से मैंने, और इसके आगे यूँ लिख के मैं इसको चलाता हूँ तो ये चलेगा और ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमें ये जो फाइल वाली डायरेक्टरी है इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि इसके अंदर का ये सिस्टम डाउनलोड नहीं हो सके किसी भी तरीके से। तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो ये जो URL आ रहा है राइट, वो बैकएंड से थोड़ा हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट या jQuery का हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना रहेगा। यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है, मैंने कोड लिख रखा है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आपको। अब जैसे कि ये document.ready फंक्शन है, jQuery काम आ रहा है, तो बेसिक हमें इसकी लाइब्रेरी भी चाहिएगी, तो मैं इसकी लाइब्रेरी भी यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये लाइब्रेरी आ गई है। अब देखिए, अभी मैंने क्या किया है, एक vURL के नाम से इसका URL लिया है, जो मेरा इसका है, तो मैंने यहाँ पर मेरे इस लोकल होस्ट का URL है माई वीडियो। उसके बाद में जो सोर्स URL है वो हमारा क्या है, फाइल में टेस्ट में इसके बाद में ये लगने वाला है, और जो सोर्स टाइप वो वीडियो MP4 है, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो प्लेयर की जो आईडी है, ये वाली आईडी, इसके HTML में ये वाला जो पार्ट है, एडमिन्स ये वाला जो पार्ट है ये डाल रहा हूँ मैं, इस पार्ट को यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटाने के बाद अभी ये यहाँ से हट चुका है, JS से आ रहा है, साथ में document.getElementById इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे ये अभी भी अवेलेबल है। अब देखो, इसके करने से क्या फ़ायदा हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बंद कर दिया है, रिफ्रेश किया, अब कोई बंदा इसको व्यू सोर्स करेगा तो यहाँ से इसको वो सेक्शन दिखने वाला नहीं है, ठीक है। इसको रिफ्रेश थोड़ा सा अच्छे से करना, ये देखिए अभी इसके अंदर ये सेक्शन है नहीं, ये यहाँ से आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर लिंक नहीं है। अभी इससे पहले अगर ये ऐसे था, उस कंडीशन में आप देखिए ये यहाँ पे URL है और आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं URL को डायरेक्ट और इसको यूज कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक तो इसके सोर्स को हटा दिया यहाँ से, और इसको JavaScript से लेके आ रहा हूँ मैं, jQuery से लेके आ रहा हूँ इस तरीके से, और दूसरा मैंने काम क्या किया है, इस पर राइट क्लिक और कॉपी वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है कि ये कॉपी नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट काम मेरे को क्या करना है, अभी भी देखो जैसे, तो मुझे ये जो फाइल है इस पर मुझे थोड़ा सा एस टी एक्सेस फाइल यहाँ पे मुझे डालनी रहेगी,
तो देखो htaccess फाइल डालनी है, मुझे कोड क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कॉपी कर लिया htaccess फाइल को और ये माय वीडियो पे क्या यहाँ डाल दिया मैं। अभी आप देखो यहाँ पे htaccess आ गई है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रीराइट इंजन। और जो ये माई ये वीडियो, इसकी जगह अपने साइट या जो भी अपना लोकल होस्ट है उसका URL लगने वाला है यहाँ पे, माई वीडियो माई वीडियो। MP4 MP3 और AV को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं इसको चला रहा हूँ, ये चल रहा है बिल्कुल। अभी आप आगे देखिए, जैसे कि फाइल में test.mp4 है तो देखो ये एक्सेस डिनाइड का बता देगा। अभी आप इसको इस तरीके से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही जैसे ये वाला ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में भी आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, तो आप डाउनलोड देके फॉरबिडन एक्सेस का आ गया है। इसके साथ ही क्या, अगर आप इसको सेव भी कर लेंगे तो भी आपके आने वाला नहीं है। जैसे मैं इसको सेव किया myvideo.html, ये मेरा सेव हो गया, मैं चला गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ये माई वीडियो आ गया, इसमें भी वो फाइल नहीं है वीडियो की। तो इस तरीके से हम इस फाइल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये नहीं चल रही है। देखिए आप, आपको ये पता तो है फाइल कौन सी है, पर आप इसको चला नहीं पाएंगे। जैसे ये वीडियो का URL है और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, तो ये नहीं चलने वाला है। देखिए आप, नहीं चलेगा ये। दोबारा दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे गया, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, चलाया, ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को प्रोटेक्ट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं ये सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा और आपको इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप यहाँ से इसको समझ पाए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।